आज के तारीख में भी क्रिकेट में भी दो टाइप का, एक फास्ट क्रिकेट होगा T20 डेज क्रिकेट, वन डे क्रिकेट, और 3 डेज क्रिकेट। तो मैं ज़्यादा यंगस्टर्स को वन डेज की तरफ, ज़्यादा T20 को फॉर्मेट में ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सर आप जो बोल रहे हो ना, उसमें सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं जी हम क्रिकेट खेली है और जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी उनका ज्यादातर ये बिगड़ने में हाथ है। ये सर, ये जो थिंकिंग है सर वो गलत थिंकिंग है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप देखें तो टूर्नामेंट ज्यादा 2020 की ही होती है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके लिए एक बहुत ईजी वे है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो भाई 2020 अगर आपने टूर्नामेंट कर दी, दिन में 2 मैच हो गए और ज्यादातर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में टूर्नामेंट खत्म हो जाती, तो ज्यादातर लड़कों को सर ये शॉर्ट फॉर्मेट ही खेलने को मिलता है। तो जो ज्यादा क्रिकेट खेलने को मिलेगा बच्चे वो साइड ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अगर देखें तो ये मुंबई में टाइम शील्ड है जी और फिर दूसरी टूर्नामेंट्स भी होगी जिसमें डेज मैचेस होते हैं, लेकिन बिल्कुल 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 सब जगह पे सर ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ लोकल टूर्नामेंट्स होती है तो वो 2020 ही होती है। तो जी सर कहीं ना कहीं हम लोगों का इसके पीछे एक हाथ है कि ये सब लड़के फास्ट क्रिकेट के पीछे ही जा रहे हैं। नहीं तो आप इसको क्या सुझाव दोगे? जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ मुंबई में हमारे टाइम शिफ्ट 3 दिन की होती है, उसके बाद में हमारे सैटरडे संडे मैचेस चलती है, मींस पुरुषोत्तम टूर्नामेंट होती है, पुलिस कप होती है। जैसे आप खेल भी रहेंगे यहाँ, कोई ना कोई क्लब से आपने पार्टिसिपेट किया रहेगा, तालीम शील्ड होती है, हमारे यहाँ हर फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स होते हैं मुंबई में। सो इसमें एसोसिएशन के आप, ये आप सिलेक्टर हो, तो आप क्या डेवलपमेंट करना चाहोगे, किस बारे में आप इम्पोर्टेंस बात दोगे कि भाई T20 खेले या डेज क्रिकेट खेले? सबसे पहले तो सर मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप टेस्ट क्रिकेट खेले, क्योंकि उसमें आपकी एबिलिटी और आपकी टैलेंट उसमें से ही बाहर आती है। 2020 फास्ट क्रिकेट है, उसमें हिटिंग करना पड़ता है, उसमें आपकी जो भी अच्छी टैलेंट है वो बाहर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई टैलेंटेड प्लेयर है वही परफॉर्म करेगा। 2020 में अगर किसी का भी दिन रहा तो कोई भी परफॉर्म करेगा। तो जो भी लंबे मैचेस है, मतलब डेज मैचेस है, जी उसमें आपकी टैलेंट हो, आपका स्टेमिना हो, आपको मेहनत की है आपने, तो ही परफॉर्म होगा। ये मेरा एक नजरिया है देखने के लिए। सो मैं वही जानना चाहता हूँ आपके तरफ से कि एज ए सिलेक्टर आप किस चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, T20 की फास्ट क्रिकेट गेम जो आज का फॉर्मेट है, या डेज फॉर्मेट के ऊपर जो 3 डेज का गेम होता है जिसमें टैलेंटेड प्लेयर सब टैलेंट मिलता है हम लोग को? सबसे पहले तो सर हम वही डेज क्रिकेट के लिए ही हम देखते हैं, क्योंकि उसमें से ही अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं। लेकिन नो डाउट 2020 क्रिकेट भी बहुत जरूरी है। आज के लड़कों को, सबको IPL में भी जाना होता है, और हर एसोसिएशन ही प्लेयर्स को IPL के ऑप्शन में भेजते हैं। तो हर लड़कों को ऐसे होता है कि भाई हम 2020 रणजी ट्रॉफी जो होता है शायद मुश्ताक अली, उसमें परफॉर्मेंस करे और हमारा नाम IPL के ऑप्शन के लिए जाए, तो वो भी ज़रूरी है सर, क्योंकि उसके बगैर तो वो IPL भी नहीं खेल सकते। तो एक तरफ से देखे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है प्लेयर्स के कैरियर के लिए। सो इसके लिए आप प्लेयर को क्या सुझाव देना चाहोगे, मीन्स हाउ टू मेंटली उनका प्रिपरेशन कैसा, क्योंकि 3 डेज का मैचेस, वन डेज का मैचेस और T20 का मैचेस, तीनों फॉर्मेट अलग है, सब तीनों मैच का फोकस डिफरेंट है, और तीनों फॉर्मेट में आपको रहना है, सक्सेस होना है, तो क्या आप शेयर करना चाहो, क्या एग्जाम्पल, क्या सजेशन देना चाहते हो, या किसी प्लेयर के आप एग्जाम्पल दे सकते हो? सर ये टाइम का, ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आप बड़े प्लेयर हो तो ही तीनों फॉर्मेट में सक्सेस हो सकते हो आप, क्योंकि एक टाइम होता है आपको डेज खेलना होता है, वहां पे बैट्समैन को लंबा क्रिकेट खेलना पड़ता है, लंबी इनिंग खेलनी होती है, फिर थोड़े दिन के बाद ही 2020 टूर्नामेंट होती है। तो
माइंड कन्वर्ट करना होता है फास्ट क्रिकेट के लिए जी। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है वही तीनों फॉर्मेट में सक्सेसफुल प्लेयर हो सकता है। जैसे आप देखो तो हमारे यहाँ सौराष्ट्र में सेल जी वो हर फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं, रणजी ट्रॉफी 4 डेज में तो वो करते ही है, 2020 में और 1 डेज में भी बहुत अच्छा खेलते हैं वो एक प्लेयर हमारे यहाँ ऐसा है कि वो अच्छा तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस करता है। प्रतीक एक क्रिकेट जो मैं बात कर रहा हूँ एक ट्रेडिशनल क्रिकेट हो चुका है, एक अभी का क्रिकेट काफ़ी चेंज हो गया है। मीन्स आज के तारीख में देखो टेक्निकली क्रिकेट साइंस बढ़ गया है, तो जैसे कि अभी बायोमैकेनिक्स डेवलप हो गया, फिजियो आ गया, ट्रेनर आ गया आपका, वीडियो एनालाइज आ गया आपके पास। सो इस पहले के क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में क्या फर्क रहा? हमारे टाइम पे सर वो टाइम पे टीम के साथ फिजियो रहते थे और मैनेजर और कोच 3 लोग ही रहते थे। अब के टाइम पे ये वीडियो एनालिस्ट टीम के साथ होते हैं, फिजियोस होते हैं, डॉक्टर अलग से होते हैं जी, फिर ट्रेनर भी अलग से होते हैं जी। तो सर वीडियो एनालिस्ट आने से सर प्लेयर को बहुत फायदा हो जाता है। वो लोग अगर आउट होके आते हैं या कोई गलती होती है बॉलिंग में या ऐसा तो वीडियो देख के आपको आपकी मिस्टेक पता चल जाती है, वो आप सीख सकते हो और वो रिपीट ना हो जी, वो आपको तुरंत पता चल जाता है जी। हमारे टाइम पे क्या था सर कि हमारे कोच होते वो आपको समझा देते कि तूने गलती की है जी, और अगर आपको ठीक लगे या ना लगे तो आप उसको इम्प्रूव करने में जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि आपको वीडियो पे ही दिखाएगा कि भाई ये गलती मैंने कर ली है, तो ये गलती रिपीट ना हो ये मुझे वीडियो पे ही पता चल जाता है। उसके हिसाब से सर प्लेयर्स को बहुत फायदा हो जाता है और फिटनेस के लिए ट्रेनर्स होते हैं। अगर आपको कोई इंजरी आई, कोई मसल पुल हो गया तो आपके पास डॉक्टर्स और फिजियो साथ में रहते हैं, तो ये सर अभी क्रिकेट में बहुत आ गया है और उनसे प्लेयर्स को बहुत फायदा भी होता है। प्लेयर को इसमें बेनिफिट ही है, यानी हर चीज में देखो उनका डेवलपमेंट, उनका स्ट्रेंथ बढ़ गया, उनके वीडियो एनालाइज यानी कि आपने बताया कि भाई मैं कहाँ आउट हो रहा हूँ, कौन से सेक्टर में आउट हो रहा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट वर्कआउट क्या करना है, सो काफ़ी आसान होगा ये। शायद आपको मिल जाता तो शायद आप इंडिया भी खेल लेते। इंडिया तो नहीं सर लेकिन 1-2 सेंचुरी ज्यादा लगा और अच्छा क्रिकेट खेल लेते। क्या बात है, क्या बात है। और अभी जो ये अभी ये साल का जो सीजन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो अभी अपकमिंग सीजन है बीइंग अ सिलेक्टर, क्योंकि काफ़ी प्लेयर घर में बैठ के आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एक सिलेक्टर हम लोग को क्या सजेशन देगा, क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ प्लेयर लोगों के लिए? सजेशन तो सर मेरा यही रहेगा कि वो हमारे किसी के हाथ में नहीं था, बस वो एक बुरा टाइम था, बुरा वक्त था, उसको आप भूल जाइए और जैसे भी BCCI की गाइडलाइंस आती है जी, और हमको सबको मौका मिलता है ग्राउंड में जाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अच्छा क्रिकेट खेले। बाकी जिसने भी मेहनत किया होगा, जिसका भी नसीब होगा, वो परफॉर्मेंस करेगा और बाकी के हाथ में है टीम बनाना। नहीं क्योंकि एक ऐसी भी बात सुनने में आ रही है कि भाई बोर्ड ने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अपने अपने स्टेट को कि भाई अंडर 16 जो जितनी भी स्टेट के टूर्नामेंट होगी, जितनी भी बोर्ड की टूर्नामेंट होगी, तो अगर प्रैक्टिस होती है नहीं होती है, आपको नेट सेशन करने नहीं मिलता, नहीं सिलेक्शन करने मिलता, पेपर सिलेक्शन के ऊपर आप टीम बना के भेजना है आपको, तो ये सही है या गलत, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है अभी तक बोर्ड की तरफ से? नहीं सर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, बोर्ड के पास कुछ भी गाइडलाइन नहीं, कुछ नहीं जी, कोई मतलब अभी तक तो कोई सीजन होगा नहीं होगा कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो भी बच्चे हमारे टच में रहते हैं जी, उनको हम यही बोलते हैं कि आप जितना भी आपको फिटनेस करने के लिए मौका मिले, यहाँ पे राजकोट में ग्राउंड्स रनिंग के लिए चालू है, आप रनिंग एक्सरसाइज करने के लिए जा सकते हो सुबह, और जिम वगैरह भी थोड़े थोड़े चालू हुए हैं लिमिटेड प्लेयर्स के लिए, तो फिटनेस लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम फिटनेस लेवल अच्छा हो जाएगा सबका। बिल्कुल
क्रिकेटिंग वाइज शायद प्रैक्टिस नहीं होगी उतनी, मुझे ऐसा लग रहा है बीसीसीआई जो भी गाइडलाइंस बाहर निकालेगा, मतलब जो भी बोलेगा टूर्नामेंट होगी उसमें वो टाइम देगा एक आधा महीने का, ऐसे नहीं कि चलो 15 दिन के बाद टूर्नामेंट शुरू, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक आध महीने का टाइम देगा, क्योंकि हमको भी सिलेक्शन मैचेस या ट्रायल मैचेस ऐसा कुछ खिलाना पड़ेगा, ऐसे ही टीम नहीं बना करते, तो टाइम तो मिलेगा प्लेयर्स को भी, लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें सबको फिटनेस लेवल अप रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा है 5.5-6 महीना जो हो रहे हैं, सो जिसने फायदा करना है उसने फायदा करके लिया होगा, जिसको मेंटली स्ट्रांग बनना है, जिसको टफ बनना है, जिसको फिट होना है, अच्छे क्रिकेटर के बुक्स पढ़ सकते थे, अच्छे नॉलेज गेन कर सकते, अच्छी वीडियोस देख सकते थे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जिसको बेनिफिट लेना उसने तो लिया रहेगा। और ये आते समय में आपको भी पता चलेगा जब आप सिलेक्टर बन गए, आप जब सिलेक्शन को खड़े रहोगे ग्राउंड पे, तो डेफिनेटली इसका जो अंदाज़ आपको भी आ जाएगा। इसके अलावा मैं एक पूछता हूँ कि ये अभी बोर्ड का हो गया सवाल, बोर्ड क्रिकेट का, तो स्कूल क्रिकेट वगैरह के लिए क्या सजेशन दोगे आप उधर, और क्या कैसा डेवलप किया जाए क्रिकेट अभी ये सिनेरियो में? ये सिनेरियो में तो सर मुझे स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए तो मुश्किल लग रहा है, अभी स्कूल टूर्नामेंट्स मुश्किल होगी, क्योंकि गाइडलाइंस जब भी आएगी तो बहुत ज्यादा टूर्नामेंट या सिलेक्शन मैचेस का टाइम नहीं रहेगा। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के लिए, स्टेट क्रिकेट के लिए पिछले 1 महीने के पहले ऐसा कुछ आया था कि जोनल वाइज ही टूर्नामेंट होगी, ऐसा बीसीसीआई कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था जी, और मैचेस कम हो जाएंगे ऐसा बीसीसीआई कुछ मैसेज आया था। वो जो फॉर्मेट था वो वही सही फॉर्मेट है ना, कि इंटर जोनल में तो क्या है सर, आपको 4 मैच ही मिलेंगे, तो 4 मैच में आप पूरी टीम को तो चांस नहीं दे सकते खेलने के लिए, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि जितने ज्यादा मैचेस हो प्लेयर्स के लिए वो अच्छा रहेगा। नहीं अभी आप तो अभी स्टेट सिलेक्टर हो, तो जोनल सिलेक्टर भी हो गया क्या अभी तक? किए नहीं अभी तक कुछ उसके लिए? वो सर हमारे चीफ सिलेक्टर जो होते वही जोनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो चीफ सिलेक्टर तो अभी मैं फिलहाल नहीं हूँ। नहीं तो जूनियर्स के लिए भी आप आ सकते हो ना, 23 के लिए बोलो या 19 के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ सर जूनियर्स और सीनियर्स दोनों की कमेटी अलग है। हाँ हमारे यहाँ सीनियर्स में अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी के लिए सीनियर्स सेम सेम नहीं, और जूनियर्स के लिए 14-16 और अंडर 19 जूनियर सिलेक्टर रहते हैं, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है 23 का जो चेयरमैन होता है वो रणजी ट्रॉफी सिलेक्टर भी होता है, उनको सीनियर में भी कंसिडर करते हैं, जो 19 का होता है चेयरमैन उसको शायद 23 के इसमें भी रखते हैं पैनल में, तो ऐसा आपका भी इन फ्यूचर में आ सकते हो आप भी? देखिए सर अभी फ्यूचर में तो अभी किसी को पता नहीं क्या करेंगे। नहीं देखो आपका काम अच्छा है, आप अच्छे मेहनत करोगे, जैसे आपने क्रिकेट में मेहनत किया वैसा यहाँ भी आप दिल से काम करोगे तो भी आप ऊपर अच्छे अच्छे क्रिकेट में अच्छे इसमें नाम में आ जाओगे। और प्रतीक हमारे तरफ से एक क्वेश्चन चलता है, हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राफ और हमारा जो हेल एनर्जी ड्रिंक की तरफ से कम्युनिटी क्वेश्चन आते हैं जो आपके फैन फॉलोअर्स से आपको सवाल करना चाहते हैं, तो मैं वो सवाल आपको प्लेयर लोग जो पूछे हैं बंदों ने आपको मैं सवाल करूँगा, आपको जवाब देना है उनको। जी सर जी ओके। प्रतीक जी सर, एक राहुल जंगो करके आपको सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल है एनी प्रॉमिसिंग प्लेयर फ्रॉम सौराष्ट्र यू थिंक कैन रिप्रेजेंट इंडिया ए? हमारे यहाँ सर विकेट कीपर है हार्दिक देसाई करके, वो मुझे लग रहा है फ्यूचर में आगे खेल सकते हैं, वो अंडर 19 इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं जी, और लास्ट ईयर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था रणजी ट्रॉफी में, तो वो फ्यूचर में किया है और आगे भी जा सकते हैं। नहीं अभी आप एक प्लेयर का बात कर रहे थे कि जो तीनों फॉर्मेट में भी अच्छा है, वो सर सेल्डन जैक्सन है उनका नाम, वो खेल चुके हैं इंडिया आई के लिए भी खेल चुके हैं। क्या बात है। हाँ और वो आईपीएल में भी थे सर केकेआर के लिए। अच्छा
तो वेल नोन प्लेयर है। हाँ, वेल नोन। इसके बाद या इसके बाद में फैजान रब्बानी करके आपको सवाल कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रन्स एंड विकेट्स व्हाट डू यू सी इन प्लेयर्स व्हाइल सिलेक्टिंग, काफी इम्पोर्टेंट सवाल किया आपके लिए, सिलेक्टर करके पूछना चाहते हैं ना, जानना चाहते हैं भाई सिलेक्टर क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रन्स और विकेट्स ही देखना पड़ता है उनको, आप वो दोनों चीज को अपार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लेयर्स की फिटनेस भी देखते हैं कि भाई ये लंबा क्रिकेट के लिए फिट है या नहीं है, और जो भी अपकमिंग क्रिकेटर्स है जूनियर्स में से उनको भी हम देखते हैं कि भाई ये फ्यूचर में आगे जाएगा। कभी ऐसा होता है, ऐसा प्लेयर्स है उनके पास टैलेंट है, कभी सीजन खराब जाती है, ऐसा नहीं कि हर बार रन करेंगे, लेकिन उनमें टैलेंट है तो हम उसको भी पुश करते हैं फ्यूचर के लिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जैसे 19 में भी आपको, जैसे आपका एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ इधर, अगर सुन रहा है जो फैजान रब्बानी के लिए, क्या आप अंडर 19 होते हुए भी आप रणजी ट्रॉफी में आ गए, तो एक बहुत बड़ी छलांग थी ये भी, तो यहाँ ये सब मैनेजमेंट सर परफॉर्मेंस आपका आपको लेके जाता है वो लेवल पे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका हार्ड वर्क और आपने जो परफॉर्मेंस किया वो आपको वो लेवल पे वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथुन दास पूछते हैं आपको, कैन यू नेम सम ऑफ द लीजेंडरी क्रिकेटर्स ऑफ सौराष्ट्र हु हैव सर्व वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर है सौराष्ट्र के। सर एक बार मैं चाहता हूँ, सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सौराष्ट्र की हिस्ट्री बता दो कि जो सीनियर प्लेयर्स है, जैसे जडेजा जी वगैरह भी काफ़ी हो गए, अशोक सर हो गए आपके यहाँ, सो हमारे अतुल पंड्या सर थे तुम्हारे पास के। मैं अभी बताना चाहूँगा कि क्रिकेट जो इंडिया में खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी जिसके नाम से टूर्नामेंट होती है रणजी ट्रॉफी, वो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सौराष्ट्र के प्लेयर हैं जाम रणजीत सिंह, जिसके नाम से रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, वो हमारे सौराष्ट्र। क्या बात है। हाँ, मैं जब भी रणजी ट्रॉफी की टीम में आया था तभी बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स थे हमारे सौराष्ट्र। एक को तो सब जानते ही होंगे सितांशु कोटक, जो वेल नोन, सब पूरा इंडिया में वेल नोन है। फिर विमल जडेजा करके थे, अभी हमारे सौराष्ट्र बहुत बड़े, वो सितांशु भाई से रन स्कोरिंग में उनके बाद सेकंड नंबर विमल जडेजा का आता है, जिन्होंने 5000 रन किए है सौराष्ट्र के लिए। फिर सुधीर तन्ना भी थे, वो मुंबई में भी बहुत क्रिकेट खेले हुए, काफी वेल नोन प्लेयर है हमारे मुंबई का। ब्रिज दत्ता, उनको भी जानते होंगे आप। बिल्कुल। हितेश परसाना भी थे जो इंडिया है वगैरह सब खेले हुए, ऐसे बहुत सारे लेजेंड थे जब भी मैं रणजी ट्रॉफी की टीम में आया। हमारे सौराष्ट्र की लिस्ट वैसे देखे तो बहुत लंबी है, और अभी करंट में तो चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जाडेजा, फिर जयदेव उनडकट, उनको तो सब भी अभी पहचानते ही है, तो सौराष्ट्र से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी करंट में भी खेल रहे हैं और पास्ट में भी बहुत लेजेंड्स मिले हैं। प्रतीक एक बात कर, अशोक पटेल सर के बारे में क्या कहना चाहूंगे, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को उनका नाम पता रहेगा। हाँ, सर उनका नाम बहुत सुना है जी, लेकिन मैं कभी खेलने का मौका नहीं मिला उनके साथ, उनको देखा भी नहीं मैंने कभी खेलते हुए। नहीं, क्योंकि मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, एक नेक इंसान उनके साथ में मैं खेला हूँ, और मैं बोलते ना जेम बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, ऐसे स्टेट बैंक की टीम में थे, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र से खेला करते थे, अरे वेरी जेंटलमैन पर्सन यार, बस जबकि तो मैं जब काफ़ी छोटा था और इंडिया खेल के आए थे, और हमने उनसे टिप्स मांगे, सर थोड़ा ज़रा कुछ बता दो ना, बोली का बोले बेटा मेहनत करो अपने आप आएगा, जितने मैचेस खेलना है खेलो मैचेस, हर मैच खेलो, कोई मैच को कम मत समझो आप, जितने मैच खेलोगे उतना आप इम्प्रूव होगे, ये उनका आज तक हमने फॉलो किया। और सर कोई पंड्या भी थे आपके यहाँ, अतुल पंड्या भी था, वो बहुत बढ़िया स्पिनर थे। भाविन राडिया, जो नया बॉल भी उतना ही टर्न करता था, जूना बॉल भी उतना ही टर्न, रेलवेज में भी थे मेरे ख्याल से भाविन राडिया जी। उन लोगों को मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो मेरे बहुत सीनियर, तो देखने का मौका कभी मिला नहीं खेलते हुए।
नहीं क्योंकि ये जो सवाल किया है उनको मैं ऐड कर रहा हूँ कि लीजेंडरी क्रिकेट में ये सबके नाम, और इनके सिवा क्रिकेट आपका, ये लोग अच्छा क्रिकेट खेले इसके लिए आप लोग को प्लेटफॉर्म बनता गया, सौरष्ट्र का अपना नाम बनाता गया। भाविन राडिया सर हमारे जूनियर सिलेक्टर्स भी है, वो भी थोड़ा मैं बता जी दूं आपको, क्या हुआ हमारे जूनियर सिलेक्टर की कमेटी ने भी है। जी, क्योंकि ये जडेजा ब्रदर्स भी थे ना, राजेंद्र जडेजा, विमल जडेजा, ये सब नॉर्मल सब ये स्टेट बैंक से चलते रहे सब लोग। राजेंद्र जडेजा हमारे अंडर 23 के कोच भी थे लास्ट ईयर जी, वो भी बहुत बड़ा क्रिकेट खेले है, बड़ा क्रिकेटर है। हाँ ठीक है, उनका यहाँ मुंबई में भी काफी नाम है, और उनके जमाने में भी रणजी ट्रॉफी में भाई ये जो सौराष्ट्र के जो अच्छे प्लेयर हुआ करते थे उनके लिस्ट में सभी लोग बैठते थे। जी सर, प्रतीक जी एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए, क्या इतना क्रिकेट, इतने सारे सब ऊंचा नाम, सिलेक्टर हर पद पे आप हैं, और मैं चाहता हूँ क्या इससे भी आगे, मैं नेक्स्ट कभी आपसे मुलाकात हुई तो मैं और ऊंचे लेवल पे आपको देखना चाहता हूँ, चलते चलते मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप हमारे क्रिकेट ग्राफ के बारे में क्या कहना चाहोगे, हमारे क्रिकेट ग्राफ की टीम है, हम लोग जो ग्रास रूट पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ जैसे आज आपसे बात किया, कल और किसी से बात करूंगा तो एक नॉलेज मोटिवेशनल टॉक्स मिलते हैं आपके थ्रू, तो आप हमारे बारे में, हमारी टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं क्रिकेट ग्राफ को सर बहुत टाइम से फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, कभी सोचा नहीं था कि आपके एक सेशन होगा मेरा। मैंने दूसरे प्लेयर्स का सबका सेशन देखा हुआ है, सच बोलूं तो सर कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा क्रिकेट ग्राफ के लिए, थैंक्स टू क्रिकेट ग्राफ। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टाग्राम, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है। आज क्रिकेट ग्राफ को जो भी फॉलो करते होंगे मुझे पहचानते नहीं होंगे, वो मुझे पहचानने लगेंगे। क्या बात है, तो सर क्या बात है? बहुत बड़ी बात हाँ, है। बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं खेलता था तभी मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिला होगा, जब भी खेलने के बाद क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से मुझे ये एक्सपोजर मिल रहा है, तो इट्स रियली रियली सर प्लेजर फॉर डूइंग एन इंटरव्यू विथ यू ऑल। प्रतीक एक सवाल मेरे इसमें, जैसे कि आपने बोला कि भाई मुझे पहचान, ऐसा ये नहीं है, प्रतीक मेहता को काफ़ी लोग पहचानते हैं, और बीइंग अ सिलेक्टर आप लोग वेल नोन हो ही, और बोर्ड के कमेटी में हो आप, किसी स्टेट के नहीं, बोर्ड के इसमें पैनल पे होते हो आप, तो चलते चलते मैं क्रिकेट ग्राफ के तरफ से और हमारे हेल्थ एनर्जी ड्रिंक जो हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम है उनके तरफ से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी आरो अच्छा बड़ा क्रिकेट के अच्छे बड़े सिलेक्टर बने, अच्छे बलों का, बड़े प्लेयर लोगों का फायदा करते रहें। और एक सवाल मेरे मन में आ गया, अभी आपने क्रिकेट ग्राफ के बारे में तो कह दिया सर, मैं क्रिकेट ग्राफ के बारे में एक आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा क्रिकेट ग्राफ एक प्रयास कर रहा है कि आप जैसे प्लेयर या आपके जाने माने, आपके साथ में जितने भी मीन्स इंडिया प्लेयर भी, चेतेश्वर पुजारा है और जडेजा है, जड्डू जो आज के तारीख में हम लोग जड्डू बोलते हैं, नाट करें, तो सर हम लोग क्या करते हैं, क्या आप लोगों के पास कुछ अच्छी मेमोरेबल चीज़ रहेगी या ओल्ड एंटिक चीज़ रहेगी, किसी प्लेयर ने आपको गिफ्ट किया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ऑक्शन में लेते हैं, और उसका प्लेटफॉर्म से किसी गरीब प्लेयर को हम लोग मदद करते हैं क्रिकेट ग्राफ के माध्यम से, तो सर ऐसा इसमें आप भी हमारे साथ में सहकार्य करें, कुछ रहेगा आपका कुछ करना है तो आपका ऑक्शन हो जाएगा उस चीज़ को, और जो बेस्ट बेस्ट लेगा वो पैसे में किसी बच्चे का हम लोग भला करेंगे, तो उसमें भी जैसे आप सिलेक्शन में मदद कर रहे हो उसी तरह हमारे क्रिकेट ग्राफ को भी मदद करो, और हमारा भी हमारा भी ये कारवा चलता रहे। इसी के साथ में मैं प्रतीक, थैंक यू वेरी मच प्रतीक, और क्रिकेट ग्राफ की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू।